मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त निर्देश दिए देते हुए दोबारा काउंटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जिन 8 वोटों को अमान्य घोषित किया गया था, अब गिनती के दौरान उन्हें मान्य किया जाएगा। CJI की बेंच ने इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाया था। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे जो कोर्ट रूम पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारतीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आपको बताएं कि पिछली सुनवाई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। इस चुनाव में रिटर्निंग अफसर की हरकत के वीडियो देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान मतदान और मतगणना के समय का वीडियो देखकर की थी। कोर्ट में दिखाई गई वीडियो क्लिप उस समय की है जब वोट आयोग ठहराए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी पेश होने का निर्देश दिया था। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। CJI ने पूछा कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है और उसे कैसे नियुक्त होता है और उसकी नियुक्ति कैसे होती है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल पूछे कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जवाब में कहा, वहां कैमरे की ओर बहुत शोर था, इसीलिए मैं वहां देख रहा था। कोर्ट ने पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क्स लगाया है या नहीं। मसीह ने कहा, हाँ मैंने 8 पेपर पर लगाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर झपट लिए और फाड़ कर भागे थे। कोर्ट ने पूछा कि लेकिन आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे, किस नियम के तहत आपने ये कार्रवाई की। जिसके बाद मसीह ने जवाब दिया कि वो अवैध पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे। CJI ने फिर पूछा कि यानी आप मान रहे हैं कि आपने वहां मार्क्स लगाए। मसीह ने हामी भरी। उसके बाद कोर्ट ने SJ तुषार मेहता को कहा कि मसीह ने माना है कि उन्होंने मार्क लगाया है, ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे नए रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करें। हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहेंगे कि इनको मॉनिटर करें। वहीं आपको बताएं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नतीजे को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजय घोषित कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। इन सभी वोटों पर बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। बीते दिन सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया। ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है, इसके लिए उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी।